हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं सब सही हो गए। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और इसमें लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जो न्यू इन्वेस्टर है, जो फ्रेश है, जो अभी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनका एज अभी नहीं हुआ है, जिनका एज हो चुका है वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ए टू जेड उन लोगों को शुरुआत से फ्रेश तरीके से समझाऊंगा क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम किया जाता है। इसमें कोई इमोजी नहीं, कुछ नहीं, मैं मेरे फेस देख करके आपको मैं बताऊंगा, सिंपल सा, कोई एडिटिंग नहीं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टॉक मार्केट पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो सो बात करें सन 1990 की, इससे 30 साल पहले की, तो क्या होता था फ्रेंड कि बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग थे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट करते थे। बहुत लोग नहीं, मतलब इंडिया में कुल जो आबादी है उनका सिर्फ 1% लोग स्टॉक मार्केट करता था। ठीक है, और उनमें से सिर्फ सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ 0.1% लोग थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट लोग किए, जाने पहचाने लोग किए। ठीक है, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अभी नहीं सी ठीक नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। ठीक है, लोग इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहते, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लेना चाहते। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो 25,000 से कम की सैलरी कमाते। ठीक है, 25,000 से कम की सैलरी कमाते इंडिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, 12,000-8,000 रुपया मंथली कमाते हैं इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, बेरोजगार चरम सीमा पे है जैसे आपको मालूम है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में लोग करते क्यों नहीं, क्या है कि इन लोगों को कोई मेंटर नहीं मिलता है, कोई सिखाने वाला नहीं है। एजुकेशन अगर इन लोग लेते हैं तो कोई टीचर सर इन लोग बताता नहीं, और जरूरी नहीं है कि कोई इंसान हर एक चीज पढ़ाई करके ही सीखेगा। अगर बात करें स्टडी की, तो जो कागज का जो चार पन्ना है ना, वो आपको नहीं बताएगा दुनिया कैसे चल रही है। ठीक है, आपको खुद से भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं, और ये बहुत सारे मतलब अलग अलग कंट्री जो है, जैसे US हो गया, बाकी सब कंट्रीज में सिखाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोगों को किया जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करो, पेरेंट्स लोग, एक मिडिल क्लास पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करो बेटा और जॉब करो, सेटल हो जाओ, बस इतना होता है। ठीक है, अब US की बात करें तो US में बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगर आपको एक डेटा दूं तो US में 55% लोग स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि बात करूं, अगर आपको नहीं मालूम है, तो जैसे पूरा जो वर्ल्ड है, जो पूरा अर्थ है, उसमें जितने भी कंट्री है सबके अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज है, उसी से GDP काउंट होता है। ठीक है, और उसी से पूरा पैसा इधर उधर सर्कुलेट रहता है, आपको पता चलेगा अगर आप इसके बारे में जो थोड़ा स्टडी करोगे या फिर ये वीडियो पूरा देखोगे एंड तक, तो आपको पता चलेगा। तो ये जितने भी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर US हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, या नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी कंट्रीज हैं उनके अलग अलग एक्सचेंजेस हैं, अलग अलग एक्सचेंज है। जैसे इंडिया का जो एक्सचेंज है वो दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि BSE है, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ाई करोगे, आप स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा। तो क्या है कि इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में लोग जानते नहीं, जागरूक नहीं है, और उसके लिए 19 के जमाने से लोग सिर्फ 1% लोग थे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर पैसा कमाते थे, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, और उस पर भी बहुत सारे लोग पूरे डरते थे। सिर्फ 0.1% लोग ऐसे थे जो सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करते थे और डरते नहीं थे, रिस्क उनको लेना था। ठीक है, वो रिस्क लेना चाहते थे, और टोटल 1% लोग इन्वेस्टमेंट डीमैट अकाउंट खोल कर रखे थे और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते थे। ऐसे ऐसे दिन बढ़ते गया, इकोनॉमी बढ़ती गई, 2000 आया, फिर 2001 आया, और अब 2022 है और 23 आने वाला है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, अब भी स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, इंडिया का जो डेटा है वो क्या है, कहां तक स्टॉक मार्केट गया, अब भी जो चल रहा है ना, अभी मैं अगर आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट में अभी जो टोटल लोग है जो इंडिया में करते हैं वो बस 3-4% मात्र है। ठीक है, और भी बहुत लोग आने बाकी है, 3-4% लोग स्टॉक मार्केट में सिर्फ डीमैट अकाउंट खोल करके रखे हैं, और सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ 1% लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होना है,
और फाइनेंशियल नॉलेज कोई लेना नहीं चाहता है। इंटरनेट आ चुका है पर लोग लेना नहीं चाहते। लोगों को पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, लोगों को हर एक चीज पसंद है बाहर का सामान, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अगर आप ऐसा हैं और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले आपको खर्चे को कम करना होगा। खर्चे को कम कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो इस तरीके से मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ऐसा था। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको मैं बता दिया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का दो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म है। ऐसे तो अदर बहुत सारे हैं ब्रोकर, बट इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रोकर दो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करें इंडिया की, तो महाराष्ट्र में आपको बिलीव नहीं कर पाएंगे कि महाराष्ट्र में ऑटो वालों को मालूम ही नहीं है, उन लोग करते भी है ट्रेडिंग, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। यहां तक कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर वाले जो चाय वाले हैं उन लोगों का भी पोर्टफोलियो 10 लाख 20 लाख 30 लाख का है। स्टॉक मार्केट में उन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लो कि आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं, 10 लोग पूरे 10 लोग अच्छे हैं, उसमें से आप 8 लोग अच्छे हैं, 10 लोग टोटल है, उसमें से 8 लोग अच्छे हैं और 2 लोग बुरे हैं, तो जो 8 लोग है ना वो भी 2 लोगों को सुधार देगा, इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, और अगर नहीं सुधारना होगा तो वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो अगर मुंबई में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके आसपास में जितने भी एरिया है वो सब लोगों के पास पोर्टफोलियो में 1-1 करोड़ के कॉर्पस है, और चाय वाले से लेकर के 1-1 ऑटो रिक्शा वाले तक उनको मालूम है कि हाँ स्टॉक मार्केट होता है, पैसे कमाए जा सकते हैं, डीमेट अकाउंट होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में आधा से ज्यादा लोगों को, इंडिया में 96% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या होता है इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल नॉलेज कैसे ले, इंडिपेंडेंट कैसे बने। बैंकिंग सेक्टर में सबको काम करना है बट कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो ये होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि पैसे को कैसे बचाएं। ठीक है, ये नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में आप 2-4 रुपए डाल दिए उसी से पैसे आपके बच गए। आप ऐसे में भी बैंक में आप स्टॉक मार्केट में रखोगे तो बैंक में रख सकते हो एफडी में, बट एफडी में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 3%, मात्र 2-3% इंटरेस्ट रेट है, उतने में तो इससे ज्यादा इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो उसमें आपके पैसे सेफ नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड के बारे में अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका कमेंट आया तो मैं जरूर बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड अलग चीज है, ठीक है, वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इसमें बहुत सारे लोग रिस्क डरते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अमीर के चोचले हैं, अमीर लोग करते हैं स्टॉक मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अडानी अंबानी ये लोग अमीर कैसे बने, स्टॉक मार्केट से बने। इन लोग ने अपना कैपिटल को बचा करके कुछ परसेंट सेविंग्स में इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में और वो आज अमीर है। इंडिया में क्या हो रहा है ना कि जितने लोग अमीर थे वो और अमीर बन रहे हैं और जो लोग गरीब है वो और गरीब बनते जा रहे हैं। उनका मेन कारण क्या आपको पता है? इन्फ्लेशन, महंगाई दर। आज का आपको मैं बताऊं, आज का जो 100 रुपए अगर आपके पास है 10 साल बाद या फिर 1 साल बाद अगर मैं बोलूं तो वो 100 रुपए 100 रुपए नहीं रहेगा। अगर 10 साल की बात करूं, आपके पास अगर 100 रुपए है, अगर आप उसको बैंक में रखते हैं तो वो 100 रुपए आपका 100 रुपए नहीं रहेगा, वो 100 रुपए आपका मात्र 40 रुपए हो जाएगा, 40 से 50-60 रुपए। तो इससे ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आपका पैसा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ते जा रहा है पैसा घट रहा है, पैसा का डिमांड घट रहा है। तो इसका वजह क्या है, इससे हम क्या मतलब कि हमको क्या करना है जिससे हमारा पैसा हमको कमा करके दे, आपको यही चाहिए ना। आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हमारे साथ साथ ऐसा कौन हो जो हमको कमा करके दे सकता है, काश हमारे पास दो एक और परछाई होता जो हमें कमा करके देता, तो हमारे पास दो रास्ते हो जाते कमाने के जरिए। ऐसा है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंस इंडस्ट्री में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसा है। आप दो लोगों को कमा करके कमाने के लिए बैठा सकते हैं, आप खुद तो कमाएंगे ही, आपके साथ भी आपको कमा करके देगा। आप जो कमा रहे हैं ना पैसा, वो पैसा भी आपको कमा करके दे सकता है, पैसे से पैसा आप बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आप अगर पर्टिकुलर फंडामेंटल स्टॉक्स आप अगर पिक करते हैं तो आपको उसका डिविडेंड मिलता है,
आप उससे कमा सकते हैं, ठीक है। अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो उससे शेयर भी बढ़ता है। कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो शेयर का दाम बढ़ेगा, इससे आपको प्रॉफिट होगा। क्या है कि इसके बारे में लोग जागरूक नहीं है, इसकी वजह से आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा, बट लोगों को सीखना पड़ेगा इसके बारे में। अगर आपको सीखना है तो इंटरनेट में भर भर के वीडियोस पड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट कैसे शुरू करते हैं आप देख सकते हैं, वीडियोस हैं भर भर के, ठीक है। तो इस तरीके से होता है स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो डीमेट अकाउंट खुलवाइए। डीमेट अकाउंट भी कोई नहीं खुलवाया है, बहुत सा इंडिया में बहुत लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट है, डीमेट अकाउंट किसी के पास नहीं है। जिनका बेटी है, जिनका बेटा है, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत होना चाहते हैं, उनके पास एफडी अकाउंट उन लोगों ने खोल के रखा, उसमें पैसे भी रखते हैं, बट एफडी में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है। 2-3% 2-3 हज़ार रुपये आपको सालाना मिलेंगे अगर आप 1,00,000 रुपये डालते हैं तो, 2-3% सिर्फ। स्टॉक मार्केट में आप रिस्क लेकर के काम करते हैं तो 1,00,000 का कब वो 7-10 लाख हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और मैंने ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स देखे हैं जो सिर्फ एक दिन में 10% का रिटर्न दे रहे हैं। मान के चलिए आपने 100 रुपया लगाया तो 100 का 10% होता है 10 रुपया, 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, आपको 10 रुपये प्रॉफिट हो गए। समझते 10% कितना होता है, 1,00,000 रुपये अगर आपने लगाया तो 1,00,000 का 10,000 होता है 10%। तो आप सोचिए थोड़ा, आप अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। सब कुछ स्कूल से नहीं सिखाया जाता है। अगर आपको लगता है तो इंडिया बहुत पीछे है, आपको खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। इस यूएस जैसा हमारा कोचिंग क्लास ऐसा हमारा पढ़ाई नहीं है, इंडिया भी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, हुआ नहीं है। अब भी अगर आप एक एज अ स्टूडेंट है तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका एज 18 से कम है, 18 से ज़्यादा है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक 40 के उम्र में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर कॉर्पस हो सकता है जिससे आप आगे का 20-30 साल गुजार सकते हैं 40 के बाद से। बस आप इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानिए, 40 के बाद आप रिटायर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पे मतलब ऐसा डिपेंडेंट रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हुआ तो हम लोग 40 से 60 के बाद मतलब कि रिटायर होंगे तो हमारा पैसा आते रहेगा। क्यों होना है गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट? नहीं होना है। आज के जनरेशन में बच्चा भी इंडिपेंडेंट बन सकता है, बन रहा है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप जानेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अगर होना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं, आप बाकी सब वीडियो देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा। ये चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट की तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेविंग्स अकाउंट का जो आपका पासबुक होता है उसका IFSC कोड और अकाउंट नंबर देना पड़ता है, बस दैट्स इट। और आपका लाइव फोटो प्रूफ और सिग्नेचर, बस। और कोई कोई ब्रोकर स्टेटमेंट भी लेते हैं। अब बात करके आप डीमेट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, आप प्ले स्टोर में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, पहले 1990 में एक ऐसा दौर था जब किसी को डीमेट अकाउंट खुलवाना होता था उसको 10,000 रुपये पे करने होते थे, 7,000, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये डीमेट अकाउंट के लिए, सिर्फ एक ब्रोकर के लिए। क्यों? क्योंकि उन लोग अंदर से जज्बा था, उनको कमाने का चाहत था, उन लोग करते भी थे, देते भी थे पैसे। और 1990 में आप सोच नहीं सकते 10,000 का कितना वैल्यू होता है, बहुत वैल्यू होता था, ऐसा होता था वहां पे 1990 में जब स्टॉक मार्केट लोग करते थे। तो उस वक्त एक सिंपल सा एक पेपर होता था, उसमें शेयर्स के नाम लिखे थे और कितना क्वांटिटी है वो लिखते थे और जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो लिखा जाता था, बस दैट्स इट। और अलमारी में पैक करके रख दिया जाता था वो कागज, एक पर्टिकुलर कागज के पन्ने को, और वही आपका सोना था, चांदी था, जेवर था, वही आपका मतलब कि एक तरीके से वो था, ये होता था। स्टॉक मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं तो पहले जमाने में आप देखिए कि पहले से अभी जो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, बट आप पीछे के पीछे क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज की जनरेशन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग ये क्यों नहीं सोचता है कि हम पैसा कमाएं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। क्या करूं यार,
तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम सिर्फ पैसा कमाएं बट बेरोजगार करके, ठीक है। आप अगर अभी मान के चले कि आप अगर पैसा कमा रहे हैं, मतलब कि अगर आप आपके मान के चले आपका सैलरी बहुत कम है, अगर आज मिडिल क्लास की फैमिली की बात करें तो उनका सैलरी 15,000 से 18,000 के बीच में तो होगा ही, मान के चले सबसे कम लोएस्ट तो 8,000 भी होता है, बट एक मिडिल क्लास के पास 15,000 मंथली सैलरी 15,000 से 20,000 होता है। तो मान के चलिए आपके पास मंथली का कॉर्पस, आप जॉब करते हैं, ठीक है, अगर मंथली का आपके पास आता है 20,000 रुपये पर मंथ आपको मिल रहा है, आपके अकाउंट में आ रहे हर महीने, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको क्या करना होगा, आपको 20,000 का 20,000 आपके 100% अमाउंट है, ठीक है, तो उसके बाद आपको 20,000 को क्या करना होगा, 20,000 का जो आपका 100% अमाउंट है उसको आपको 50-30-20 का तीन हिस्सा बांटना होगा, 50%, 20%, 30% आपको 20,000 का करना पड़ेगा। आप वो कैसे कर सकते हैं, 20,000 का 50% कितना होता है, 10,000, तो जो 10,000 होता है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अब किसी का सैलरी 50,000 भी हो सकता है तो वो आप 50-30-20 करेंगे, जिसका 1,00,000 होगा वो भी 50-30-20 करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक मिडिल क्लास का, जो जिनका सैलरी 20,000 है वो कैसे सेविंग्स कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आप ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी जितना बताया जाए उतना ही कीजिएगा, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता जो भटकता है वो आप देख रहे हैं, वो लोग अभी कैसे लाइफ जी रहे हैं, 40 की उम्र में भी लोग कमा रहा है अभी, और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, महंगाई दर बढ़ते जा रही है, पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं 1990 में पेट्रोल का दाम कितना होता था और अभी कितना है आप देख रहे हैं, इन्फ्लेशन है, वो महंगाई है, बढ़ते जा रही है, और वो और आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं बढ़ते जाएगा। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, सरकार पे आपको ब्लेम क्यों कर रहे हैं? गलती आपकी है, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है महंगाई को कम करने की, बट इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से? ऐसे नहीं बढ़ता है, तो इस तरीके से होता है। अगर आप मान के चलिए कि पेट्रोल का दाम अभी फिलहाल कितना चल रहा है, 200 पार हो रहा है कहीं कोई कोई कंट्री में, इंडिया में तो अभी भी है 120-125 रुपये लीटर, और पहले 12 रुपये लीटर भी था, कभी 50-40 रुपये भी लीटर आता था, कभी 70 रुपये लीटर भी आता था, अब भी इतना बढ़ गया, क्यों? महंगाई दर, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है और ये आगे बढ़ते रहेगा। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पेट्रोल का दाम 200 पार भी हो जाए, वो दूर नहीं है, 2050 तक हो भी सकता है। तो आप इसके लिए पहले से तैयार होने चाहिए। कैसे होंगे? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, आपको ये होना चाहिए कि आप अकेले नहीं कमा रहे हो, आपके साथ आपका पैसा भी आपको कमा करके देना चाहिए। वो कैसे होगा? आप अपने पैसे का 50-30-20 कीजिए, हो दैट्स इट। आप कैसे आप कर सकते हैं 50-20-30? आप मान लीजिए कि आपके पास सैलरी 20,000 आ रहा है, तो उसमें से जो 50% है, मतलब 10,000, वो आप वो सब चीज में खर्चा कीजिए जो आपके मेन वो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके EMI है, क्रेडिट कार्ड बिल है, वो सब आपके 10,000 में खत्म हो जाने चाहिए। और जो फालतू वालतू खाने वाने की चीज है वो सब भी, और पेरेंट्स के जो आप कमा करके देते हैं वो सब भी 10,000 में खत्म हो जाने चाहिए। नहीं होते हैं तो आप कोशिश कीजिए खत्म हो जाए, ठीक है, और आपके फिर एक तरीके से ये सब उसमें खत्म हो जाना चाहिए। वो होता है 50% में, ठीक है। अब बात आती है 30% में, जो 50% है उसमें आपका शर्ट पैंट जो आपके मतलब कि होता है वो सब में भी 50% उसमें ही आता है, 50% जो आपके एक्सपेंसेस है वो 50% में आते हैं। अब बात आती है तो 30% में वो चीज़ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप लेना है, आपको कंप्यूटर लेना है, आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, मान के चलिए आपको शर्ट पैंट लेना है, वो भी 30% में आप ऐड कर सकते हैं, वो होता है 30% में, ठीक है। तो जो 50-80% है वो आपका एक्सपेंस में खर्चा सब कुछ A to Z हो जाना चाहिए, और मंथली आपको हर आपके सैलरी में हर महीना 20% के हिसाब से आपको सेविंग्स करना है। आप FD में करेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, ना के बराबर है। आप स्टॉक मार्केट में कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, वो भी सेफ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड अलग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो है वो, अलग बारे में उसके बारे में अलग मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है।
तो अब आप जो बाकी का जो 20% मैंने आपको बोला वो आपको हर महीने सेविंग्स करने हैं स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो करेंसी म्यूचुअल फंड में, ये सब में, ठीक है। तो उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो इसके बारे में मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री क्या है पूरा हर एक चीज़ मैं आपको अलग वीडियो में बना करके दूंगा अगर आपका कमेंट आया तो, ठीक है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, इसमें लोग डरते बहुत है। स्टॉक मार्केट में बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जिगरा चाहिए, ऐसा भी है जिगरा, बहुत सारे लोगों का जिगरा होता है जो स्टॉक मार्केट में जिगरा करते हैं, क्यों ना करें। बहुत सारे लोग शराब स्मोकिंग करते हैं उस पर पैसा हर रोज डेली के स्मोकिंग करते हैं, डेली के बीमल शराब पीते रहते हैं, क्यों? उन लोगों को उसके लिए पैसा है बट सेविंग्स के लिए पैसा नहीं, क्यों ऐसा? लोग पिज्जा बर्गर कोई भी फालतू सामान खाते नहीं, खाने का ना, घर का आप चार रोटी खा लीजिए, दो रोटी खा लेंगे कम नहीं हो जाएगा आपका, मतलब उम्र घट नहीं जाएगा। बट सेविंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप स्टॉक मार्केट में सेविंग्स कीजिए, म्यूचुअल फंड में कीजिए, अगर ये दोनों में अगर आप कर रहे हैं तो हो सके तो आप एफडी अकाउंट भी खोल लीजिए। एफडी अकाउंट में भी अगर आपको 2% मिल रहा है तो आप खोल लीजिए 2-3%, बट सिर्फ एफडी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा तो ही कुछ हो सकता है। इंडिया अभी बहुत पीछे है और इसको आगे लाने वाले सिर्फ आप है। अब बात करें शेयर्स की, तो जैसे कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े शेयर्स हैं, इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा है, ठीक है, ये जितने भी कंपनीज है ये सब शेयर्स है, इसका आप शेयर्स खरीद सकते हैं। रिलायंस है, रिलायंस जियो है, आपको देखिए रिलायंस है, ये सब शेयर्स है, बड़े बड़े कंपनी है। यूएसए का कंपनी कौन से है आपको पता है? आपको एक डाटा बताता हूँ, यूएस की जो कंपनी है, आप जैसे देखें कि आप जो फेसबुक इंस्टाग्राम जो ट्विटर ये सब चलाते हैं ये सबके शेयर्स होते हैं। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब एक ही में इंक्लूडेड है, फेसबुक ने इसको खरीद लिया तो फेसबुक में ही जोड़ा जाएगा। फेसबुक एक कंपनी है, गूगल एक कंपनी है, ट्विटर वैसी एक कंपनी है, ठीक है, ऐसे नेटफ्लिक्स अमेजोन ये सब एक कंपनी है। इन यूएस के टॉप 6-8 कंपनी में ये शामिल है, ठीक है। और इसका जो शेयर प्राइस अगर आपको मैं बताऊंगा ना आप शॉक हो जाएंगे। गूगल का जो शेयर्स है वो 3.5 लाख का पर शेयर है, वन शेयर। अगर आप वन शेयर का बात करें तो 3.5 लाख का आपको एक शेयर मिलेगा यूएस का। जो जितने आप जो गूगल में सर्च करते हैं ये सबका पर्टिकुलर शेयर का दाम होता है। एप्पल का शेयर बहुत सस्ता है, 15,000 रुपये में अभी चल रहा है, अभी 2019 या फिर 20 कोरोना के टाइम पे 10,800 का था। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, एप्पल का इन्वेस्टर हूँ मैं, गूगल नेटफ्लिक्स का मैं भी इन्वेस्टर हूँ, सबका मेरे पास शेयर है। यूएस अकाउंट में आप अगर चाहें ऐसा आप बोलेंगे ललित भाई यूएस अकाउंट आप यूएस में इंडिया में रह करके यूएस में आप हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप रिसर्च कीजिए आपको पता चलेगा, एप्लीकेशन है अवेलेबल, डीमेट अकाउंट खुलवाइए, यूएस डीमेट अकाउंट, यूएस स्टॉक एक्सचेंज का डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, इंडी मनी ऐसा कुछ है समथिंग आप खोल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। अब बात करें पर्टिकुलर शेयर की मैं बात कर रहा था, तो यूएस में जो शेयर है, यूएस में जो मैं आपको बता रहा था शेयर, आपको पता है गूगल का शेयर 3.5 लाख का है, ऐसे ही अमेजोन 2.5 लाख का है, पर शेयर का कीमत 2.5 लाख का है, और इंडिया बहुत पीछे है। इंडिया का एक एक शेयर का दाम 7,000-6,000, जो मतलब जो है नेस्ले जो कंपनी है उसका बहुत महंगा शेयर है 27,000 का है, ठीक है, ठीक है। फिर MRF का शेयर है वो 78,000 का है, वो सबसे महंगा शेयर है, ठीक है। बट बाकी सब 2-3-4-5 हज़ार में ही आ रहे हैं। डीमार्ट जैसी कंपनी जो 3-4 हज़ार में आ रही है, क्यों? इंडिया बहुत पीछे है। और यूएस की अगर मतलब जनसंख्या की बात करें तो यूएस के लोग इंडिया जैसे कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको बहुत सस्ता शेयर लगता है, वो बिलीव नहीं कर पाते कि इतना इंडिया पीछे कैसे है। अब बोलिए आप, ये तो इंडिया की खुला बदनामी हुई, ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप देख लीजिए, इंडिया बहुत पीछे है और इसको आगे आप ही ला सकते हैं, आप जैसे लोग हम जैसे लोग ही ला सकते हैं और कोई नहीं। ये कैसे होगा? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से होगा। इंडिया यूएस में डॉलर्स का दाम इतना क्यों आगे है? इसकी वजह से डॉलर इसलिए आगे क्योंकि उसमें फाइनेंशियल लोग इंडिपेंडेंट है, डॉलर से तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल लिया जाता है, उसकी वजह से डॉलर हर जगह काम कर रहा है।
उसकी वजह से ऐसा होता है, डॉलर का दाम बढ़ते जा रहा है, बाकी सब जो करेंसी वो घट रही है इसकी वजह से। कभी ऐसा भी दिन था जो डॉलर एक डॉलर एक रुपए के बराबर था, आप देख लीजिए आज देख लीजिए 78 रुपीज 80 रुपए का एक डॉलर है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं और यहाँ के लोग नहीं है। तो आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। लोग बोलते हैं कि शराब पीना चाहिए, दारू, ये सब जिगरा जिसके पास होता है वो पीते हैं। क्यों पीना है? अगर पर्टिकुलर वो उतना ही जो अमाउंट आप जितने का खरीद रहे हैं वो आप सेविंग्स कर लीजिए। समझिए कि मेरा नशा है पैसा का, शेयर मार्केट में जिगरा का मेरा नशा है, मैं पैसा इन्वेस्ट करने का, मेरे पास जिगरा है, मैं उसका पैसा इन्वेस्ट करने का नशा लगता हूँ। रिस्क बहुत है, आप पैसा खोने का रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, अगर आपके पास जिगरा है तो। ऐसे में भी तो आप पैसा खो ही रहे हैं, आप अपने शरीर को मार रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग करके। तो अगर आपको जिगरा चाहिए, अगर आप सोचते हैं आपको जिगरा चाहिए, आपको जिगरा आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो आप ये पैसा खो करके बताइए ना कि हाँ मैंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लॉस में लिया है, मेरे पास इतना जिगरा है। तो वो होते हैं सच्चे इन्वेस्टर, जिनका 10,000 रुपये भी लॉस होता है तभी वो खुशी खुशी इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं। उनके पास असली जिगरा होता है, ना कि आपके पास जो कि स्मोकिंग करते हैं। पिज्ज़ा बर्गर ये सब के अलावा घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घर के आप सामान खा सकते हैं, और पर्टिकुलर उतना जो अमाउंट जो आप मतलब खर्च करते हैं उसके आप शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, डोमिनोज के आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आपको लग रहा होगा पिज्जा खाना होता है, नहीं, उसका आप शेयर भी खरीद सकते हैं। पिज्जा डोमिनोज पिज्जा का आप शेयर खरीद सकते हैं। स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग है, सॉरी लिस्टिंग है, NSE BSE में लिस्ट है शेयर। पिज्जा का शेयर लिस्ट है, कोलगेट का शेयर लिस्ट है। अब बोलेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि शेयर हम लोग कैसे पिक करें, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। ललित भाई मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा बच्चा बच्चा समझ जाएगा आपको कैसे शेयर को पिक करना है। मैं आपको बता दूं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, कोलगेट बहुत फेमस कंपनी, आप शेयर ले लीजिए कोलगेट का, आंख बंद करके ले लीजिए। उसके बाद आप चाय पीजिए, कौन सा चाय पीते हैं, टाटा का चाय पीते हैं, टाटा का शेयर ले लीजिए आंख बंद करके। उसके बाद जो भी साबुन तेल क्रीम जो भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किसका करते हैं, क्लासमेट का। क्लासमेट कौन सी कंपनी है, ITC। सिगरेट कौन सी कंपनी, ITC की कंपनी है। पीछे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप ITC का शेयर कितने का है यार, 250 रुपए का है, सिर्फ 250 का है। कहां वो गूगल का शेयर 2.5 लाख और ये कहां 250। इंडिया कितना पीछे है आप सोच रहे हैं, कैन यू इमेजिन। तो ये होता है, इंडिया अभी बहुत पीछे है और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये पर्टिकुलर चैनल देख सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो आप मुझे बताइए कि आप ललित भाई आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी ये आप पर्टिकुलर वीडियो बनाइए तो मैं जरूर बनाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बनाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है वो भी फाइनेंशियल में ही आता है, म्यूचुअल फंड भी फाइनेंशियल में आता है, और भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं स्टूडेंट एज में वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक स्टूडेंट लोगों को ही समझाया है कि अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, अगर आपका एज 18 से कम है या फिर 18 से ज़्यादा है, 18 से 20 है या फिर 22 है 23 है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस उम्र में भी सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाइए ना, क्यों क्या जरूरत है नशा करने का। आप उतना पर्टिकुलर अमाउंट, लोग एक पर्टिकुलर पैसा मंथली कमाते हैं तो वो सब मतलब अपने शॉपिंग में खर्च करते हैं। शॉपिंग मत कीजिए ज़्यादा, जितना आपसे लिमिट है उतना ही शॉपिंग कीजिए। और मैंने आपको बताया कि आपको 50-20-30 आपको करना पड़ेगा, तो आप उतना कीजिए। अगर उतना आप करते हैं तो उससे आपका मतलब पैसा का बचत होगा, और पैसा बचत होगा तो आपका पर्टिकुलर हर महीने 20-20% जमा होते रहेंगे। तो आप 20-20% का मतलब जानते हैं कितना होता है, बहुत होता है। अगर आप ऐसी म्यूचुअल फंड में या आप सेविंग्स करेंगे तो आपका बहुत अमाउंट आने वाले 10-20 सालों में बहुत पैसे आपके पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप आ सकते हैं, बच्चा बच्चा स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अमीर के चोटले नहीं है। रिस्क आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और जो भी इंसान जिंदगी में रिस्क लिया है वो हर एक इंसान आज सक्सेसफुल है। आप अगर जिंदगी में रिस्क लेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो
तो यही था इस पर्टिकुलर वीडियो में, मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है, पूरा ए टू जेड मैंने क्लियर कर दिया स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ ऐसा अगर आपको जानना है तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, इन डिटेल से स्टॉक मार्केट होता कैसे, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, अगर हमारे पेज को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं डेली अपडेट के लिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेली फाइनेंस, ठीक है, इंस्टाग्राम @TeleFinance को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में जा करके, और आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीफाइनेंस को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको डेली अपडेट मिल जाएगा एज अ फाइनेंशियल नॉलेज, ठीक है। तो ये आप बात करें इसकी, तो मैंने आपको बता दिया, पूरा टोटल क्लियर कर दिया कि कैसे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं इन स्टूडेंट एज। अगर आपको पैसे कमाना है, पैसे ही कमाना है छोटे उम्र में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे टॉपिक बताइए कि पैसे कैसे कमाना है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको बशर्ते पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर जो भी इंसान पेशेंस रखा है, जो भी इंसान इम्पेशेंस है ना, उसका पैसा निकल करके पेशेंस के पास ही जाता है स्टॉक मार्केट में। जो पेशेंस नहीं रखते हैं, जिनको होता है कि अरे यार मतलब मार्केट लॉस में हो रहा है, पैसा निकालो निकालो निकालो, तो पैसा निकाल लेते हैं और बाकी का जो उसका लॉस होता है ना वो उनके पास जाता है जो पैसे को बचा करके उसी में रखते हैं। अब ये यूक्रेन अटैक चल रहा है, इसमें अभी बहुत लोगों का, मेरे खुद के 4.5 लाख रुपए डूबे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, पर मैं पैसे नहीं बेचा हूं, शेयर्स को नहीं बेचा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा मतलब कि मेरे पास जिगरा है, 20 लाख रुपए में से अभी मेरा 4.5 लाख रुपए लॉस में है, और अदर ब्रोकर में मेरा प्रॉफिट में भी है, बट 4.5 लाख रुपए लॉस में इसलिए है क्योंकि मैंने उतने का कैपिटल लगाया हुआ है और मैं मतलब पहले से सीखा नहीं हूँ, और कुछ कुछ ऐसे भी शेयर्स है जो मैंने स्टडी नहीं किया है, उसकी वजह से मुझे उसका फल मिल रहा है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपने रिस्क पे ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए कभी भी। तो यही था इस वीडियो में, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता चले स्टॉक मार्केट होता क्या है, इसमें कैसे काम किया जाता है, और आपको ए टू जेड मैंने बता दिया। अगर आपको और भी कुछ जानना है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर्स को कैसे पिक करें मैंने आपको वो भी बताया, और डिटेल में इन डिटेल में जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से पेज को फॉलो करें, हमारे हर एक पेज को, और इस पर्टिकुलर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे जुड़ी ही, स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।